बेलपत्री के मध्य भाग में, बेलपत्री का जो भाग होता है बेलपत्री के मध्य भाग में लाल चंदन का एक थोड़ा सा भाग लाल चंदन का लगाकर देखो, रोली कंकु अलग होता है और लाल चंदन अलग होता है। नहीं तो कई लोग कहें कि रोली कंकु एक ही है, मतलब रोली कंकु और लाल चंदन एक है, तो दोनों में अंतर है। लाल चंदन अलग होगा और रोली कंकु अलग होगा। जैसा पीला चंदन होता है वैसा ही लाल चंदन होता है। जैसे पीले चंदन को अपन घिसते हैं ऐसा ही लाल चंदन भी घिसा जाता है। आजकल पीला चंदन भी डब्बियों में घिसा हुआ आ जाता है तो लाल चंदन भी डब्बियों में घिसा हुआ आ जाता है। कहें अगर विषम परिस्थिति में अगर हम हैं और ऐसा लग रहा है कि ये परिस्थिति हमारे को परेशान कर रही है या प्रशासन कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ ऐसा क्रम बन रहा है कि हमें तकलीफ आ रही है, तो उस जगह पर केवल तीन शिवरात्रि। कितनी शिवरात्रि? केवल तीन शिवरात्रि। हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी तीन शिवरात्रि पर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर अशोक सुंदरी का स्थान छुबाकर नंदीश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहकर समर्पित कर दी जाती है और उसी बेलपत्र को कुछ क्षण तक रखने के बाद मंत्र का स्मरण कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, जो तुमको याद हो उस मंत्र का स्मरण कर उस बेलपत्र को वापिस उठाकर अपने घर पर लाया जाता है। तीन शिवरात्रि अगर दिल से कर ली जाए तो कैसा भी विवाद चल रहा हो, प्रशासनिक कैसे भी झमेले चल रहे हों, वो सुलझ जाते हैं, उसमें हमें राह मिल जाती है। गला पकड़ रहा है बाबा, उसमें हमें सहजता मिल जाती है, उसमें हमारी सुरक्षा हो जाती है। एक बेलपत्र नंदीश्वर का नाम स्मरण कर चढ़ाई जाए। हमने आपको पहले कहा था कि दवाइयां खाओ, अगर डॉक्टर को दिखा कर आ रहे हो, दवाइयां खा रहे हो, दवाई नहीं लग रही है, शरीर ठीक नहीं हो रहा, तो कौन से महादेव का नाम लेकर दवाई खाना चाहिए? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। अगर हमको लग रहा है कि हमेशा घर में क्लेश हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, विवाद पर विवाद हो रहा है, तो लोटा भरकर जल अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाए। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर, भगवान का अवधूतेश्वर नाम लेकर चढ़ाया जाए, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती, भगवान शंकर का संवाद हो जाता है, शंकर का गुणगान हो जाता। वर्णन आया आगे सुंदर